नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में रोज प्लांट के बारे में और इसकी केयर के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, आज अक्टूबर के 28 तारीख हो चुकी है और कुछ दिनों बाद यानी कुछ हफ्ते के बाद ही सर्दी का मौसम भी स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, हमारे गार्डन में जो रोज़ का प्लांट है, सर्दी के मौसम में आपको लगता है कि मेरा जो प्लांट है पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहे, तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसे आपको अभी फॉलो करनी होगी। अगर आप इसे अभी फॉलो करते हैं और कुछ ज़रूरी काम है वो अगर आप रोज़ के प्लांट में करते हैं, तो पूरे सर्दी के मौसम में यानी नवंबर से लेकर मार्च तक आपका जो रोज़ का प्लांट है पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो रोज़ का प्लांट ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आता है, यानी इसकी जो फ्लावरिंग है वो साल भर कंटिन्यू चालू रहती है। पर देखिए, विंटर का सीजन यानी नवंबर से लेकर मार्च तक इसके फ्लावरिंग के लिए बहुत ही बेस्ट समय माना जाता है। पर आपको अक्टूबर जैसे ही महीना स्टार्ट होता है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले जो बात आती है वह है हार्ड प्रूनिंग। देखिए, अक्टूबर महीना जैसे स्टार्ट होता है और अक्टूबर महीना ख़त्म होते होते ही आपके गार्डन में जो भी रोज़ के प्लांट है उसमें आपको हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग कर लेना है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की है तो अभी आपको करना होगा, क्योंकि नवंबर महीने में जैसे इसका फ्लावरिंग का सीजन चालू होगा उस टाइम अगर आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो इसमें नए ब्रांचेस आने में और ब्रांचेस में कलियाँ आने के लिए एक महीने का 1.5 महीने का टाइम चला जाता है, यानी इतना हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। रोज प्लांट की एक खासियत है, इसके जो पुराने ब्रांचेस होती है इसमें कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होती है। जो नए शूट्स आते हैं इसमें दोस्तों कलियाँ और फ्लावरिंग होती है। इसके लिए नए शूट्स आने के लिए आपको हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सेकंड जो मेन बात आती है वह है सनलाइट। देखिए, आपके गार्डन में जो भी रोज का प्लांट है जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म हो जाता है आपको ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे इसे कम से कम 7 या 8 घंटे की कंटिन्यू धूप मिल सके। अगर धूप की भी कमी आ जाती है तो हमारे जो प्लांट है इसमें कोई भी कलियाँ नहीं बनती है और जो भी नए शूट्स आते हैं वो पूरी तरह से ब्लैंक आते हैं, यानी इसमें कोई भी कलियाँ नहीं होती है। इसके लिए रोज़ के जो भी प्लांट है जो आप लोगों ने गमले में लगा के रखे हैं उसे ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिल सके। देखिए, तीसरी जो नेक्स्ट बात आती है वो है दोस्तों, हमारे जो प्लांट है उसके जब हार्ड प्रूनिंग करते हैं या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो उस प्लांट में बहुत सारे नए शूट्स आते हैं और जो नए शूट्स आते हैं अपने साथ कलियाँ भी लेके आते हैं। पर देखिए, जो शूट्स आते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और उसी टाइम ज़्यादा करके बीमारी का अटैक होता है। और ख़ास करके जो एफिड है या सफ़ेद मक्खी है उसका अटैक हमारे प्लांट पे होता है। और जब किसी भी बीमारी का हमारे जो नए शूट्स आते हैं उस पर अटैक होता है तो उसके जो पत्ते हैं वो मुड़ने लगते हैं और इसी के साथ साथ जो कलियाँ आती है वो भी दोस्तों ख़राब हो जाती है, यानी उसकी जो साइज़ है वो काफ़ी छोटी हो जाती है और जो फूल आते हैं वो अच्छी तरह से दोस्तों खिल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जैसे ही नए शूट्स आते हैं इस पर किसी बीमारी का अटैक हो या ना हो आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए आप किसी भी पेस्टिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रासायनिक या ऑर्गेनिक जो भी पेस्टिसाइड आपके पास अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद जो मेन बात आती है वो है फर्टिलाइजर की। देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है यानी रोज़ का जो प्लांट है उसकी जब हार्ड प्रूनिंग करते हैं और इसमें नए शूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो शूट्स के साथ बहुत सारी कलियाँ भी आती है। तो शूट्स आने में और कलियाँ से दोस्तों फ्लावरिंग होने में हमारे जो प्लांट है उसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और ख़ास करके जो फूलों वाले प्लांट है ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए आपको पोटाशियम फर्टिलाइजर देना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर बना के दिखाने वाला हूँ जो हमारे किचन से जो वेस्टेज निकलता है उसका इस्तेमाल करके मैं आपको पोटाशियम फर्टिलाइजर बना के दिखाने वाला हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है उसको अदर कोई फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी शूट्स आते हैं वो हेल्दी तो रहेंगे ही, पर इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में कलर फ्लावरिंग भी होगी। देखिए दोस्तों, फर्टिलाइजर में जो पहली चीज़ हम लेने वाले हैं वो है कॉफ़ी का पाउडर। देखिए, कॉफ़ी के पाउडर में भरपूर मात्रा में इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ अगर हम इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो नॉर्मल से एसिडिक बन जाती है। और देखिए, जो कॉफ़ी का पाउडर हम इस्तेमाल करने वाले हैं महीने में आपको कम से कम 2 बार इसका इस्तेमाल करना है और वो भी एक गमले में आपको 1/2 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, कॉफ़ी का पाउडर अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप जो यूज की हुई चाय की पत्ती है या फ्रेश चाय की जो पत्ती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो 1/2 चम्मच यूज करना है और अगर आप यूज की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 चम्मच 15 दिन में इसका इस्तेमाल करना है और आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो नॉर्मल से गमले की जो मिट्टी है वो भुरभुरी बन जाती है और हमारे जो भी प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो देखिए,
जो हम दूसरी चीज़ यूज करने वाले हैं वह दोस्तों आलू के और केले के छिलके का पाउडर। देखिए आलू के और केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आप किसी भी छिलकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे आपको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बेस में बना कर ही आपको आपके गाड़ी में जो भी प्लांट है उसमें आपको देना है। देखिए हम लोग गाड़ी छिलकों का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों वो जो छिलके हैं वो कई हफ्तों तक हमारे गमले की मिट्टी में ऐसे ही पड़े रहते हैं और इसके कारण हमारे गमले की जो मिट्टी है उसमें फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आप सब्जी के छिलके हो या दोस्तों फल के छिलके हैं उसका अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जितना हो सके आपको इसे ड्राई करके बारीक पाउडर बनाकर इसका इस्तेमाल करिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक गमले में आपको कम से कम 2 चम्मच आपको इसका इस्तेमाल करना है और इसे भी आप 15-20 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है ये आपको तुरंत ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम की मात्रा होती है। और देखिए इसमें जो हम तीसरी चीज़ यूज करने वाले हैं वो है प्याज के छिलकों का पाउडर। देखिए प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और दोस्तों आयरन भी पाया जाता है। हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसे गमले की मिट्टी में हम इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों हमारे जो प्लांट उसको न्यूट्रिशन तो मिलता ही है तो इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर की मात्रा होने के कारण इसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, चिटिया है, तो वहाँ से दोस्तों तुरंत भाग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक गमले में आपको कम से कम 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। देखिए ये जो फर्टिलाइजर मैं दिखा रहा हूँ ये सभी के सभी जो किचन से जो वेस्टेज निकलता है उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये फर्टिलाइजर बनाया है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होने के साथ साथ ये पूरी तरह से सेफ है। देखिए दोस्तों हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है फिर चाहे फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी सेहत के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए उसे 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और देखिए इसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये मेजर न्यूट्रिशन है। तो इसी के साथ साथ कैल्शियम भी एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारे प्लांट को बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए हम NPK की जो मात्रा है वो कंटिन्यू देते रहते हैं तो इसी टाइम हम लोग कैल्शियम को भूल जाते हैं। देखिए अगर किसी भी प्लांट में ज़्यादा आपको कलर फ्लावरिंग चाहिए तो उसकी जो स्टेन यानी ब्रांच है उसे मजबूत करना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए अगर हमारी जो ब्रांच है वो मजबूत नहीं रहेगी तो इसमें जब ज़्यादा कलिया या फ्लावरिंग होती है तो वो ब्रांच है वो अपने आप टूट जाती है और दोस्तों कैल्शियम की अगर कमी आ जाती है तो हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं और इसके कारण हम कोई भी फर्टिलाइजर हमारे प्लांट को देते हैं तो वो अच्छी तरह से हमारे जो रूट्स है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे जो प्लांट है उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए NPK के साथ साथ कैल्शियम की जो मात्रा है वो भी पूरी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो देखिए हमारा जो प्लांट है उसे कैल्शियम की जो कमी वो पूरी करने के लिए हम दोस्तों जो लिखने वाला चौक है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लिखने वाले चौक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर जो खाने वाला चूना है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको एक गमले में आधा चौक का इस्तेमाल करना है और जैसे दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपको गमले के जो कोना है उसमें आपको हल्का सा दबा देना है और देखिए जैसे हम लोग पानी देते जाएंगे वैसे वो धीरे धीरे पिघलता जाएगा और उसका जो कैल्शियम है वो हमारे प्लांट को कंटिन्यू 1 से 1.5 महीने तक कंटिन्यू मिलता रहेगा। देखिए हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें जब हम रासायनिक फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है यह हमें 1 हफ्ते के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि रासायनिक फर्टिलाइजर जैसे ही पानी के संपर्क में आता है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है और तुरंत उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को मिलना स्टार्ट हो जाता है। पर देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का थोड़ा उल्टा है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे हम लोग गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो स्टार्टिंग में तो वो ब्रेकडाउन होगा और जैसे ब्रेकडाउन होता जाएगा वैसे उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को मिलता जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपके गार्डन में जो भी फूलों वाले प्लांट है वो खास करके जो रोज़ का प्लांट है उसमें आप लोगों ने अभी तक किसी भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया है और आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो प्लांट है वो सर्दी के मौसम में पूरी तरह से कलुओं से और फूलों से भरे रहे तो एक बार इस फर्टिलाइजर बनाकर आपके गार्डन में जो प्लांट है जो गुलाब का प्लांट है उसमें अवश्य यूज करके देखिए आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट इसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।